चैन सीटीटी संस्थान ट्रेनिंग जूनियर में नेतृत्व व्यवस्थित अध्यक्ष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप बट द थिंग्स दिस डजंट लेट टू स्लीप। अंतर्वस्तु परिचय व्यवसाय जीवन राष्ट्रपति लोकपाल कारक प्राप्त की गई सीट निष्कर्ष परिचय। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1933 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने विमान अभियंत्रण में मद्रास विश्वविद्यालय से बीटेक किया। व्यवसाय से वह एक वैज्ञानिक विमान अभियंता और लेखक प्रेरक वक्ता थे। व्यवसाय जीवन वह वायु सेना SSB परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। वह अपने जीवन के स्वप्न को प्राप्त नहीं कर पाए। भारत के प्रथम उपग्रह छोड़ने में इसरो द्वारा बनाए गए तकनीकी में अबुल जी का हाथ था। इस प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट कक्ष में डाला। डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल में अपना भरपूर योगदान दिया। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन बने के नाम से जाने जाते हैं। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र व लॉन्च वाहन विज्ञान में उनका योगदान विस्मरणीय है। 1988 के पोखरण 2 में परमाणु प्रयोग में डॉक्टर कलाम ने भरपूर योगदान दिया। राष्ट्रपति 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक डॉक्टर कलाम ने 11वें राष्ट्रपति के पद पर विशिष्ट रूप से कार्यभार संभाला। भारत के लोग डॉक्टर कलाम को स्नेह से पीपल्स प्रेसिडेंट बुलाते हैं। उन्होंने आम जनता हेतु राष्ट्रपति भवन स्थित नोबल गार्डन खोल दिया। अपने कार्यकाल में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने महामहिम या किच एक्सलेंसी के प्रयोग पर रोक लगा दिया। राष्ट्रवाद धर्म निरपेक्ष मुसलमान होते हुए डॉक्टर कलाम हिंदू सभ्यता से खूब परिचित थे। संस्कृत का ज्ञान होने से श्री भगवत गीता पढ़ते थे व पुण्यता शाकाहारी थे। डॉक्टर कलाम वीणा वादन के निपुण थे व कर्नाटक संगीत सुनते थे। युवा पीढ़ी हेतु वह एक प्रेरणा के स्रोत थे। वह विद्यार्थियों और बच्चों की संगति रखते थे, उन्हें पढ़ाते भी थे, सीखे। डॉक्टर कलाम सादगी व सत्यनिष्ठा की मूर्ति थे। सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। निर्धन परिवार के होते हुए भी वह राष्ट्रपति व मिसाइल मैन बने। यदि आप ठीक पढ़ चुके हैं तो कैसे भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह बहुत ध्यान केंद्रित व अनुशासित थे। वह सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे। निष्कर्ष डॉक्टर कलाम के दूरदर्शी आशावादी और शक्तिशाली विचार पूरी दुनिया में संजोए हुए हैं। वे एक महान व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न 1997 पद्म विभूषण 1981 और कई और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बच्चों के प्रति उनका प्यार उल्लेखनीय था और उनके लिए कई मुफ्त प्राथमिक स्कूल स्थापित